नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं उपेंद्र कुमार और लेकर आया हूं आपके लिए सिनेमा जगत की ताजा बड़ी खबरें। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का प्रदर्शन हिंदी भाषी क्षेत्रों में काफी खराब रहा। कंगना रनौत और अरविंद स्वामी जैसे कई दिग्गज कलाकारों से सजी ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। जहां एक तरफ फिल्म ने रिलीज के पहले दिन दक्षिण भारतीय भाषा में 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया, वहीं दूसरी ओर उत्तरी भारत में दर्शकों ने फिल्म को सिरे से नकार दिया। रिलीज के पहले दिन उत्तरी भारत और हिंदी भाषा में यह फिल्म कुल 25 लाख रुपए की कमाई कर पाई। तमिल, तेलुगु और हिंदी ये तीनों भाषा मिलाकर कंगना रनौत की फिल्म कुल 1.25 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर कारोबार किया। फिल्म को पहले दिन कम दर्शकों का साथ मिला, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफी खराब रहा। बता दें, कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर आधारित है। कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उधर जावेद अख्तर ने मनहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने एक्ट्रेस कंगना रनौत की बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की है। जावेद अख्तर की ओर से दायर इस अर्जी में कहा गया है कि अगर कंगना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती हैं, तो कोर्ट कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष एक बार जरूर सुने। बता दें, जावेद अख्तर ने पिछले साल एक इंटरव्यू को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ मनहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंगना रनौत ने नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविजन पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने के पीछे एक्ट्रेस का केवल उनकी छवि को पब्लिक के बीच धूमिल करना था। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनल आइकन बन चुकी हैं। वे अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। इन सबके बीच अब प्रियंका चोपड़ा ने एक नए शो का ऐलान किया है। ये एक रियलिटी शो है जो दरअसल एक्टिविस्ट पर आधारित होगा। इस रियलिटी शो में प्रियंका चोपड़ा के अलावा सिंगर अशर और डांसर जूलियन हाउ भी होंगे। शो के बारे में कहा गया है कि इसमें 6 एक्टिविस्ट होंगे जो 3 हाई प्रोफाइल लोगों के साथ काम कर दुनिया में बदलाव लाएंगे। इसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। लेकिन अब ये शो अपने कॉन्सेप्ट की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो रहा है। कई सेलिब्रिटी ने इस शो की आलोचना की है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जमीला जमील ने भी ट्वीट कर इस शो पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या ये लोग एक्टिविज्म को शो में बदलने के बजाय इस बेहद महंगे शो को बनाने में खर्च होने वाले पैसे को सीधे सीधे एक्टिविस्ट को नहीं दे सकते, लोग मर रहे हैं। वहीं एक और एक्टिविस्ट कैमरून स्काई ने लिखा कि ऐसी बेकार चीजें बताती हैं कि एक्टिविज्म शब्द बेकार हो गया है। यहां लोग रूलिंग क्लास से बदलाव की मांग कर जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं जो फिलहाल इंटरनेट पर शिकायत कर रहे हैं। उधर सुष्मिता सेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी बेटियां रीनी और अलीसा के साथ अपनी एक प्यारी सी फोटो शेयर की है। एक्ट्रेस की बेटी अलीसा अभी छोटी हैं, जबकि रीनी बड़ी हो गई हैं और एक एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। उन्हें हाल ही में सुट्टाबाजी नाम की एक शॉर्ट फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा था। अब एक्ट्रेस और उनकी बेटियों की एक लेटेस्ट फोटो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सुष्मिता ने फोटो के कैप्शन में लिखा है कि कभी कभार एक तस्वीर किसी के दिल को बयां भी कर सकती है। तस्वीर में सुष्मिता अपने कैमरे से अपनी बेटियां रीनी और अलीसा की फोटो खींचती नजर आ रही हैं। तस्वीर में एक्ट्रेस का रिफ्लेक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे पहले एक इंटरव्यू में रीनी ने एक्टिंग को लेकर अपने झुकाव और माँ सुष्मिता सेन के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी माँ का सफर मुझसे बहुत अलग है। वे हमेशा मुझसे अपने अनुभव शेयर कर सकती हैं, लेकिन आखिर में निर्णय मेरा होगा। उधर केरल में एक पारंपरिक नौका में जूते पहनकर चढ़ने के बाद मंदिर के रीति रिवाजों का उल्लंघन करने के आरोप में जांच का सामना कर रही मलयालम टीवी धारावाहिक की अभिनेत्री निमिषा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि निमिषा और कथित तौर पर तस्वीरें खींचने में उनकी मदद करने वाले दोस्त का बयान दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में दोनों को थाने में जमानत देकर रिहा कर दिया गया। हालांकि इस मामले में निमिषा की ओर से भी पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में निमिषा ने फोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अज्ञात लोगों की ओर से उन्हें दी जा रही गालियां और धमकी मिलने का जिक्र किया गया था। बता दें, निमिषा अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रसिद्ध अरनमुला मंदिर के पलियोदम में घूमने के लिए गई थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद धार्मिक नौका में चप्पल पहनकर फोटो खिंचवाई थी और उसका फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।